दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रांगण में स्थित संवाद भवन में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं की ओर से गीत प्रस्तुति की गई। साथ ही इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर हरिशरण, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक अशोक कुमार श्रोती एवं विशिष्ट अतिथि अंशुमाली शर्मा को अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर हरिशरण एवं राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती ने नोडल अधिकारी एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि NCC स्काउट की अपेक्षा राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस मौके पर कार्यक्रम अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण, मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती एवं विशिष्ट अतिथि विशेष कार्य अधिकारी एवं राजसंपर्क अधिकारी अंशुमाली शर्मा सहित विभिन्न महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के नोडल अधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, मैं भाव सुनिए मैं
राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको नहीं पता कि नुकसान कितना, नुकसान सीधा सीधा 100 बच्चों की यूनिट है उनको होता है, उनके साथ में समाज के दायरे में जो लोग काम कर रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें एहसास होता है कि सत्ता में राष्ट्र सेवा योजना प्रॉपर तरीके से संचालित नहीं है। मीडिया जगत है, तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं। 69 की योजना प्रारंभ हुई, आज हम 50वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 50 साल का सफर इसी योजना का, एक ही नाम पर चलना मुझे लगता है इस देश में शायद संभव है। और वो संभव हुआ है तो हमारे उन कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की वजह से, उन शिक्षकों की वजह से जिन्होंने अपना शिक्षा के साथ उस समय राष्ट्र सेवा योजना को दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में यदि मैं कहूँ तो आपको इतना गर्व होगा कि हम एक ऐसी योजना के प्रतिपादक हैं या उसे पालन करने में मदद कर रहे हैं जैसी योजना विश्वभर में दूसरी योजना बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि सबसे बड़ी बात इसकी एक है कि ये मौलिक योजना है, आजादी से भरी हुई योजना है। हमारा कैलेंडर जो भी आपको अनुमति देता है उसके साथ में आपको आजादी भी देता है। यदि आप जो चाहते हैं जो आपके दायरे में संभव है उसे हम करें। आप एनसीसी की बात करेंगे, स्काउट गाइड की बात करेंगे, रोवर इंजन की बात करेंगे, इन सबके फाउंडर फॉरन कंट्रीज थे, ब्रिटिश कार्यकाल में इनके जन्म हुए। इनका कोई एक विशेष मकसद था, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना का मकसद केवल विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास और माध्यम समाज सेवा। ये आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के आवासीय परिसर तथा संबद्ध महाविद्यालयों के जितने भी कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे डॉक्टर अंशुमाली शर्मा रीजनल डायरेक्टर राष्ट्रीय सेवा योजना तथा हमारे क्षेत्रीय निदेशक युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार से आए हुए डॉक्टर अशोक श्रोती जी हैं। इन तथा हमारे कार्यक्रम के की अध्यक्षता प्रोफेसर हरिशरण जी प्रतिकुलपत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यक्रम अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष हम जब सत्र प्रारंभ करते हैं तो उनके पूरे सत्र में कितनी गतिविधियां होती हैं और उन गतिविधियों का सकुशल संचालन कैसे किया जाए इसके लिए उनको प्रशिक्षित करना है। हमारे अधिकारीगण उनको उनके कर्तव्य बोध के साथ साथ हमारा एनएसएस कैसे अच्छा काम करे, समाज को जोड़े तथा अपने छात्रों का शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सरोकार द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए और बेहतर तरीके से उन्हें एक समाज से जोड़ करके उनके सामाजिक व्यक्तित्व का भी विकास किया जाए, इसी उद्देश्य से आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सब कार्यक्रम अधिकारी हमारे पधारे हुए हैं और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है।